भजन गायक सुरेश वाडेकर ने कहा कि आज के युग में बच्चों में संस्कार डालना माँ बाप का परम कर्तव्य है। जब तक संस्कार नहीं रहेगा तब तक युवाओं में भजन की तरफ रुझान नहीं रहेगा। गोरखपुर महोत्सव में शिरकत करने गोरखपुर पहुंचे सुरेश वाडेकर ने गोरखपुरनी से बात करते हुए कहा कि आज भी वही सुर है, वही साज है और कुछ भी बदला नहीं है। अगर बदला है तो आज का दौर गीतों को जिस नज़रिए से देखेंगे सुनेंगे उसी अंदाज से उसका लुत्फ उठा सकेंगे। गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए भजन गायक सुरेश वाडेकर ने कहा, अच्छा लग रहा है, ये गोरक्षनाथ जी की पावन भूमि है और उनकी सेवा करने का और आप सबकी दर्शकों की सेवा करने का, माई बाप जो है आप, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने याद किया। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी जगह है, अच्छी ठंड है जो हमको बम्बई में नहीं मिलती, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी दर्शकों को कि शाम को बहुत बड़ी संख्या में आएँ और हमको आशीर्वाद दें। गाने और पहले के गाने आज पॉप चल रहे हैं, तमाम गाने चल रहे हैं, पहले गाने चलते थे तो काफ़ी गानों पर कितना अंतर हो रहा है? म्यूजिकली तो ऐसे अंतर कोई है ही नहीं, क्योंकि वही 7 सुर है, टोटल 12 सुर हैं और थोड़ा वक्त के हिसाब से जो भी बदलाव आता है वो तो कपड़े लत्तों में भी आता है, खाने पीने में भी आता है, तो गाने बजाने में भी आ गया है। सब अच्छा ही है और सब सरस्वती की सेवा कर रहे हैं तो सब अच्छा है। सर, भजन गायकी को युवा किस प्रकार से देखते हैं? युवा को अगर उनके माँ बाप ही अगर उसमें नहीं डालेंगे, जैसे हम कहते हैं ना, ऐसी बहुत सारी स्ट्रिक्ट फैमिलीज़ हैं जो बच्चों को भी आध्यात्म की तरफ या भगवान को सुबह नहा धो के हाथ जोड़ना, थोड़ी सी प्रार्थना करना अगर नहीं सिखाएंगे तो नहीं सीखेंगे। जैसे हमने और भी कम्युनिटीज़ में देखा है, जैसे सरदार फैमिलीज़ में देखा है, मुस्लिम फैमिलीज़ में देखा है, जब तक नमाज नहीं पढ़ते हैं या एक ओंकार नहीं गाते हैं तब तक खाने की थाली सामने देते ही नहीं बच्चों के, तो वो इतना कंपल्शन हो जाता है कि उनको उसकी आदत पड़ जाती है, फिर अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी वही फॉलो करते हैं। ऐसा हिंदू धर्म में भी हमारे हो जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि आजकल के मॉडर्न बच्चे हैं, नहीं मानते कैसे नहीं है, अगर उनके पेरेंट्स, उनके माँ बाप उनको नहीं मनवाएंगे तो वो भी नहीं मानेंगे। सर,